बताऊं कि मुझे शर्म आ रही है इस पे रिपोर्ट करते हुए, क्योंकि और क्या उम्मीदें लगा सकते हैं हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, बड़ी बड़ी रोडों की इस डिपार्टमेंट से, जो एक 500 रुपये 400 रुपये का जो है काम जो। मगर अगर कोई हादसा हो जाएगा तो वही काम बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं फिर आप देख रहे हैं द चुनाव टाइम्स और मैं हूं अबरार भट्ट। नाज़रीन कराम, मैं अभी इलाका भद्रवा में मौजूद हूं और विलेज उदराना में हूं। यहां के मकामी लोग हैं, उन्होंने हमें बुलाया कि एक यहां पर बिल्कुल रास्ते में चौक पर एक गड्ढा है और गड्ढे पे जो ग्रीडिंग्स वगैरह होती है, जो भी कवर होता है जिसमें जो है ड्रेनेज के ऊपर, तो वो कई टाइम से जो है डिफंक्ट है, कई टाइम से डैमेज है, टूटा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मुझे शर्म आ रही है इस पे रिपोर्ट करते हुए, क्योंकि एक गड्ढा है, इसको जो है R&B डिपार्टमेंट ठीक नहीं कर पा रहा है। जो लोगों में जो है यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आ रही है, कई एक्सीडेंट्स यहाँ पर हुए। कल की बात मैं कहूँ तो कल रात को भी एक बाइक जो है इसमें गई थी, और गाड़ी कई बार इन लोगों ने जो है कंसर्न अथॉरिटीज से अप्रोच की कि इस गड्ढे को जो है ठीक किया जाए ताकि प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी तक जो है 1-2 महीने से बोलते जा रहे हैं लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। अब फिलहाल यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ मामला है, किस तरह जो है इन्होंने बात की कंसर्न अथॉरिटीज से और रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, और क्या उम्मीदें लगा सकते हैं हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, बड़ी बड़ी रोडों की इस डिपार्टमेंट से, जो एक 500 रुपये 400 रुपये का जो है काम जो है कई महीनों से नहीं कर रहा है, जिससे लोग सफ़र हो रहे हैं, इंजरी हो सकती है किसी को भी, एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर। आइए बात करते हैं यहाँ के मकामी लोगों से, उनका क्या कुछ कहना है। देखो, ये आप सब जानते ही हैं कि मैं उदराना का निवासी हूँ। पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं और ये मौका देख रहे हो। आप इस भली भांति जान रहे हो, देख भी रहे हो, यहाँ पे ये जो लुक बिछा रही है रोड जाती है शानबाग के लिए। आए दिन इधर इधर एक्सीडेंट होते रहते हैं, और आए दिन इधर गाड़ी, कभी गाड़ी चली जाती है, कभी स्कूटर जाता है, कभी स्कूटी जाती है और मोटरसाइकिल चले जाते हैं। हमने अभी AW से डी साहब से अभी हमने बात की है कि हम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे, मगर सिर्फ विश्वासन पे विश्वासन मिल रहा है, बाकी काम तो कुछ नहीं हो रहा। 2 महीने से बताया जा रहा है, और ऐसे हमें ये आज का कल, कल का परसों, परसों का चौथ कर रहे हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए। हम फिर भी आप गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ग्रीडिंग लगाई जाए, या जो लोहा जो गिरा हुआ है इसको ठीक किया जाए। अगर ये तो कल कल अंतर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या मर जाएगा तो सारी जिम्मेवारी इसकी गवर्नमेंट की रहेगी और कंसर्न जो डिपार्टमेंट होगा। आप खुद देखिए ना, देखो यहाँ पे क्या हाल है, और ये इतना खतरनाक कर रहे हैं यहाँ पे कि गाड़ी बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकलती है। कल कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई टायर इसके अंदर जाए, कई आदमी जख्मी हो सकते हैं इसके अंदर जाके। डिपार्टमेंट को हमने बहुत बार कन्वे भी किया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया। इतनी बेशर्मी की बात है, 500 रुपये या 400 रुपये कुछ भी नहीं है क्या, ये मामूली सा काम है। मगर अगर कोई हादसा हो जाएगा तो वही काम बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं फिर एक बार आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कम से कम इतने से खड्डे को तो ठीक कर दें। यहां से हम अस्पताल के लिए जा रहे थे, अचानक यहां पे एक जो खड्डा था इसमें हमारी स्कूटी गिरने वाली थी, बाल बाल बचे, इसलिए इस खड्डे को ज़रा, क्या आप दरखास्त करेंगे, ये दरखास्त करेंगे कि इस खड्डे को ज़रा देखें, अगर कोई स्पीड में आएगा तो सीधे इस खड्डे में ही जाएगा। चलिए, आपने सुना इनकी ज़ुबानी यहाँ के लोगों की कि किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और मेरी भी यही जो है दरख्वास्त रहेगी, अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो देखें और R&B डिपार्टमेंट जो है इसकी सुध ले और जल्द से जल्द जो है इस पर जो है कवर करें, स्टील या फिर कोई भी स्लैब इस पर डालें ताकि गाड़ियां जो है आराम से यहां से गुजरें, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो।